सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो टेक अजफर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यार हमारे मेन टॉपिक की बात की जाए तो आता है कहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हर यूट्यूबर का, इसको हर आम बंदा जानता है, वाली वीडियो में इसका होना इतना लाजमी था इसलिए क्योंकि इसके म्यूजिक में पहले यूज़ करता था। अभी मैं इसके यूज़ करता हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम करता हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगी मैं कौन से म्यूजिक यूज़ करता हूँ। लेकिन देखो, सबसे पहले साइड पर आपको यहाँ पर स्क्रीन आ रही होगी कि मैं किसके म्यूजिक पहले यूज़ करता था। NCS इसका नाम है, 31.1 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। इस टाइम ये वीडियो बन रही है, 969 की वीडियोज हैं। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूजिक के, लेकिन ये लोग आपको बोलते हैं कि इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया करो। वैसे ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी नहीं देता हूँ। यहाँ पर आपको काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में मिल जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग जो भी आप सुनना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री एंड नॉन कॉपी। इनके चैनल का नाम ही नॉन कॉपीराइट साउंड है। तो अब यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करते हैं इनके सॉन्ग, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पॉलिसीज के खिलाफ है यूट्यूब का। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि कैसे वीडियो डाउनलोड करें यूट्यूब की, तो आपको खुद ही बता देगा। और फिर इसको MP3 में कन्वर्ट कर लेना, इसके बहुत सारे ऐप्स आते हैं। डायरेक्टली चले जाते हैं अपनी सेकंड सोर्स की तरफ। फिर आती है हमारी सेकंड सोर्स, लेकिन ये आती है व्लॉगर्स के लिए। इसी का दूसरा भाई ये है क्योंकि नो कॉपीराइट व्लॉगर्स के लिए, सिर्फ इसका नाम है व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक। ये वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें सॉन्ग्स काफी ज्यादा आपको मिल जाते हैं। म्यूजिक थोड़ा कम मिलता है, सॉन्ग ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि व्लॉगिंग में बीट सिंग बहुत ज्यादा होती है। जब तक बीट सिंग अच्छी ना हो व्लॉगिंग में तो व्लॉग्स अच्छे इतने ज्यादा नहीं लगते और ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं वो व्लॉग्स। और भाई, अगर आप लोग ब्लॉगर नहीं हो, आपका ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर आपको और भी म्यूजिक्स मिल जाते हैं। मतलब ब्लॉग के म्यूजिक्स मिलते हैं लेकिन आप अपनी वीडियोस में भी उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी भी टाइप की आपकी वीडियोज़ है, क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन इनके ज़्यादातर सॉन्ग्स होते हैं म्यूजिक थोड़े कम होते हैं। ये भी कॉपीराइट फ्री है, ये भी बोलता है लिंक दे दिया करो, लेकिन ना दो तो कोई इतना मसला नहीं होता है। हम लोग चल लेते हैं अपनी थर्ड सोर्स की तरफ। और अब मैं आपको जिस चैनल का बता रहा हूँ, यार मैं पहले से इसके लिए वार्निंग दे रहा हूँ कि आप इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दे दिया करो, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, ठीक है? इसका नाम है इक्सॉन, साइट पर आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा, इक्सॉन इसका नाम है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे म्यूजिक मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छे म्यूजिक मिल जाते हैं। मैं इनके म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि भाई मेरे म्यूजिक जो मैंने यूज़ किया है वो इक्सॉन से किया, तो आप भी दे दिया करो। इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे म्यूजिक हैं। अभी जो नए म्यूजिक जो आए मैंने ज़्यादा सुने नहीं है, लेकिन जो पुराने म्यूजिक थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ज़्यादा सूट करते हैं कोई भी आपकी वीडियो, तो उसके साथ काफी ज्यादा सूट करते हैं। कि अबाउट में भाई इन्होंने पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना। आप इनके जो लिंक एक ही बार कॉपी करके गूगल कीप में डाल लेना, नोट्स जो होते हैं गूगल नोट्स, उसमें डालने के बाद हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसको पेस्ट करते रहना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग डायरेक्टली चल लेते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट सोर्स की तरफ, और सबसे बेहतरीन या हर बंदे के लिए और सबसे बेहतरीन सोर्स है लास्ट में, सबसे बेहतरीन सोर्स में आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा आप इन्हीं के म्यूजिक यूज करो, क्योंकि ये है यूट्यूब का खुद ही। यूट्यूब अपने क्रिएटर्स के लिए देता है ये सॉन्ग म्यूजिक आपको, उसका नाम है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी है कुछ, यूट्यूब लाइब्रेरी का नाम है उसका, कुछ इस टाइप का नाम दिया हुआ उन्होंने। तो आप वो वाले जाके यूट्यूब के, जैसे आप वेबसाइट खोलोगे वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यूट्यूब लाइब्रेरी का, या यूट्यूब लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। वहां से आप जितने भी म्यूजिक डाउनलोड करोगे, जितनी भी अपनी वीडियो में अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको ना लिंक देने की जरूरत है अपने चैनल पर, और ना ही कोई शाउट आउट वगैरह है कुछ भी देने कि आपको जरूरत नहीं है। और ये सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है क्योंकि YouTube अपने क्रिएटर्स के लिए खुद ही उनको एक म्यूजिक का प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दे दिया है कि भाई आप यहाँ से म्यूजिक डाउनलोड करो, या ये वाला म्यूजिक आप बिल्कुल फुल चौड़ में यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है और मैं आपको यही बोलूंगा कि YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के ही करो, क्योंकि अगर NCS वगैरह के किसी सिंगर वगैरह ने उनके गानों का लाइसेंस खरीद लिया हमेशा के लिए, तो वो सिंगर आपकी जो वीडियोज पे कॉपीराइट दे सकता है। अगर किसी आम बंदे ने भी NCS से कोई जैसे म्यूजिक वगैरह खरीद लिया, तो अगर वो देना चाहे आपकी वीडियो पे कॉपीराइट्स को नजर आ गई तो वो देना चाहते तो भाई संभाल के यूज करना, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के ही सॉन्ग्स को यूज करो, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक या सॉन्ग्स कुछ भी हो आप उनको सबसे ज्यादा यूज करो। व्लॉग ये हर बंदे के लिए, जैसे अब मैं ये वाली जो बैठी वीडियोस बना रहा हूं, इस पे भी ये म्यूजिक सूट कर जाते हैं, व्लॉगिंग पे भी सूट कर जाते हैं, हर जगह पर ये म्यूजिक सूट कर जाते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो को बिना लंबा किए वाला जो साइड में सब कुछ आ रहा है कर देना। और हां, एक बार दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है भाई को, दुआ में याद रखना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।